हेलो गाइस, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं मृत्युंजय भारत। आज के इस वीडियो में हम ई कॉमर्स वेबसाइट का होम पेज डिजाइन करेंगे बिल्कुल इस तरीके से। पिछले वाले वीडियो में हमने लॉगिन फॉर्म को कैसे डिजाइन किया था उसके बारे में हमने सीखा था, तो चलिए इस वीडियो में हम ई कॉमर्स वेबसाइट का होम पेज डिजाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ इमेजेस चाहिए, जो ये सब जो स्लाइड शो चल रहा है, स्लाइड शो हो गया, उसके बाद ये एम कार्ड, ये सब लॉगिन एंड साइन अप, ये सब जो भी इमेजेस हैं वो हमें एक फोल्डर में ठीक उसी तरीके से चाहिए जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में किया था। तो देखिए, यहाँ हमने एक फोल्डर में बहुत से इमेजेस को ले लिया जिसे हमें वेबसाइट में ज़रूरी है, जैसे कि ये सब लोगो और कुछ बैनर्स। तो चलिए इस यहाँ हम एक HTML फाइल को ओपन HTML फाइल बनाते हैं और इसे ओपन करते हैं, और इधर से हम इस HTML फाइल को ओपन कर लेते हैं कि जिससे मेरा जो कोड मेरा जो रन करते जाए और यहाँ डिस्प्ले हम रिफ्रेश करके उसे हम आउटपुट देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML हेड टाइटल ये सब तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले हम लोग HTML हेड टाइटल कर देते हैं और बॉडी से, और एक CSS फाइल इसमें भी हम लिंक करेंगे, लिंक रील इक्वल टू स्टाइल सीट एंड HREF और i.css से एक CSS फाइल बनाएंगे। तो और उसके बाद हेड क्लोज करेंगे और यहाँ से हम CSS फाइल को क्रिएट कर लेते हैं कंट्रोल N से, और यहाँ हम कुछ एस लिख कर इसे सेव कर देते हैं जिससे दोनों फाइल मेरा एक जगह रह जाए, और यहाँ से हम कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें हेडर बनाना है, तो हेडर के लिए बॉडी ले लेते हैं। बॉडी के अंदर उसका बीजी कलर हम चूज कर लेते हैं F1 हैशटैग F1 F3 और F6। उसके बाद हम यहाँ से टेबल लेंगे, टेबल से ही हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे। जितना भी है इसमें डिवीजन का यूज़ नहीं करेंगे, डिवीजन का यूज कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन चलिए ये सबसे आसान तरीका से इसमें हमने इसको बनाया है। तो टेबल ले लिए और इसका बॉर्डर 1 और विथ 100% और बीजी कलर हैशटैग 2874 ब्लू के लिए लिए हैं जिससे कुछ लाइट ब्लू आ जाए उसमें। और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे कि TR ओपन करेंगे और TD में अलाइन सेंटर करेंगे, और एक साइड में हमें इमेज की ज़रूरत है तो इसके लिए हम इस कोड को लिख रहे हैं। इमेज विथ इसका रहेगा 200 बहुत ज़्यादा 26% एंड इसका विथ जो है वो 100% लाएंगे हम लोग। और यहाँ से उस ले लेते हैं रन कर सेकेंड, यहाँ से रिफ्रेश किए तो ये देखिए मेरा टेबल तो दिख रहा है। अब इसमें हम इमेज जो को इंसर्ट करेंगे, तो IMGSRC इज इक्वल टू इमेज का नाम, यानी कि मेरा इमेज जो है इमेज फोल्डर के अंदर IMG फोल्डर के अंदर है, उसका नाम है m.jpg, इसका एक्सटेंशन हो गया। और अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करते ही मेरा यहाँ दिख जाएगा, और यहाँ लगता है क्लोज नहीं किए हैं, विथ 20% के जगह पर हुए, मुझे क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज टैग छूट गया वो, एक मिनट। यहाँ क्लास का भी यूज कर सकते हैं, क्लास भी लगा लेते हैं, क्लास C1 एक क्लास बनाएंगे, CSS फाइल में इसको अटैच करेंगे, और यहाँ से C1 को हम लिख लेते हैं CSS में कि बैकग्राउंड, इसका CSS का बैकग्राउंड क्या रहेगा, बैकग्राउंड साइज 30% और बैकग्राउंड साइज 30% और विथ 70% और हाइट 50% ले लेते हैं, जिससे मेरा जो इमेज हम वहाँ सेट करेंगे वो बिल्कुल अच्छे से वहाँ एडजस्ट हो सके। यहाँ मेरा 20% क्लोज टैग की जगह, अच्छा क्लोजिंग यहाँ छूट गया है इस कारण मेरा मुझे दिक्कत हो पा रही है, तो यहाँ क्लोजिंग टैग लेते हैं और रिफ्रेश मारते हैं। यहाँ देखिए मेरा आ गया इमेज, अब इसको एडजस्ट करेंगे
तो अभी तो ये इतना है। और इसमें और मुझे सर्च वाला जो सर्च बार जो है उसके इसी में अलाइन करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। तो चलिए उसको देख लेते हैं। टी डी टैग का यूज इस पूरे वेबसाइट में हमने टेबल और टेबल का ही यूज किया। TRTD जिस TH यही टैग ज़्यादातर यूज किए हैं हमने। और इसी से हमने इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो क्लास यहाँ ले लेते हैं TD का ड्रॉप डाउन। एक क्लास हम बनाएंगे CSS में ड्रॉप डाउन नाम का। और यहाँ ड्रॉप डाउन नाम का क्लास बनाएंगे। और यहाँ इनपुट टाइप हमें लेना पड़ेगा, इनपुट टाइप, क्योंकि मुझे सर्च बार चाहिए जिस कारण मुझे इनपुट टाइप की ज़रूरत है। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड ऑन क्लिक इक्वल टू माई माई फंक्शन। और यहाँ से इसको क्लोजिंग कर लेते हैं। और प्लेस होल्डर सर्च के लिए कुछ भी आप लिख सकते हैं एज योर विश। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सर्च फॉर प्रोडक्ट एंड ब्रांड्स एंड मोर, जो आप यहाँ लिखेंगे वो उस सर्च बार में पहले प्लेस होल्डर की जगह पर हो जाएगा। और यहाँ से स्टाइल इक्वल टू, यहाँ थोड़ा सा CSS इनलाइन यूज कर लेते हैं। और विथ यहाँ इसको डाल लेते हैं, कितना विथ है, 330 नहीं, ज़्यादा नहीं, 350 एंड हाइट 35 पिक्सल। एंड क्लास, इसमें एक और क्लास का यूज करेंगे ड्रॉप बटन। और ये दोनों क्लास को हम यूज करेंगे i.css में इसको इंसर्ट करेंगे। तो अभी इतना ही, जिसमें हो सके और ID माई इनपुट भी एक ले सकते हैं, लेकिन कोई उतना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हम लेके चलते हैं। आगे हो सकता है उसको हम यूज कर लें। और ऑन की अप इक्वल टू क्या कर लेते हैं, ऑन किया फिल्टर फंक्शन। और यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। और यहाँ से रिफ्रेश करें तो ये देखिए मेरा जो हेडर है वो एडजस्ट हो चुका है। अब हेडर के जो सर्च बार तो एडजस्ट हो गया, अब इसके बगल में मुझे एक बटन चाहिए। बटन के लिए भी जस्ट हम यही करेंगे कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन और TD के ही अंदर, जिस उसी मतलब जो TD है उसी के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए। और वैल्यू उसका क्या रहेगा कि सर्च रहेगा, उसमें वैल्यू जो रहेगा बटन का सर्च रहेगा। उसका स्टाइल, इसका एक स्टाइल विथ इनलाइन CSS यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। और इसमें हम इनलाइन CSS यूज कर लेते हैं। और इसमें हम 90 पिक्सल एंड हाइट 35 पिक्सल और क्लोजिंग कर लेते हैं। अब इसको रिफ्रेश लेंगे, रिफ्रेश करेंगे क्लोजिंग करके, तो मेरा बटन आ गया यहाँ। अब इसको वो पूरा फुल स्क्रीन में आएगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखिए एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं हो पा रहा है, 1 मिनट, हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं एडजस्ट। अब यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, थोड़ा सा इसको क्लोजिंग कर लेते हैं। अब उसके बाद मुझे चाहिए लॉगिन एंड साइन अप, लॉगिन एंड साइन अप। तो यहाँ TH का यूज करेंगे, TH, और उसमें लॉगिन एंड साइन अप एंकर टैग का यूज करेंगे। और href इज इक्वल टू #, बाद में इसको हम किस पेज पर खोलना चाहते हैं यहाँ हम अगला नेक्स्ट वीडियो में इसका स्टेप बताएंगे। और यहाँ से इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन और वैल्यू लॉगिन एंड साइन अप कर लेते हैं। और क्लास बटन 1, क्लास का भी ज़रूरत पड़ेगा इसमें, तो इसलिए क्लास का जो हो जाएगा वो बटन 1। और स्टाइल थोड़ा सा इनलाइन CSS यूज कर लेते हैं हम उसी में। और सॉरी, इनलाइन CSS इसमें यूज करने का ज़रूरी तो नहीं है। ये हो जाएगा लॉगिन एंड साइन अप, कॉपी पेस्ट मार दिए थे, लॉगिन एंड
साइन अप, उसके बाद क्लास इज इक्वल टू बटन वन btn1, ये हम css फाइल में बनाएंगे, css जो हम मेरा जो है वो th क्लोज कर देते हैं, एंकर टैग भी क्लोज कर लेते हैं और यहाँ से रिफ्रेश मारेंगे तो लॉगिन एंड साइन अप का बटन एक आ गया मेरा। और इसको मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जिस कारण थोड़ा सा css से इसको डिजाइन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, जिस कारण वो और थोड़ा सा बहुत बढ़िया लगेगा देखने में। और यहाँ से हम एक इमेज ले लेते हैं वो कार्ट के लिए, ऐड टू कार्ट के लिए, और इस इमेज का img इसलिए लिखे क्योंकि img फोल्डर के अंदर मेरा जो cart.png वो इमेज है। तो चलिए रिफ्रेश मारते हैं, यहाँ देखिए कार्ट का ऑप्शन आ गया। और अब यहाँ से हम टेबल का जो बॉर्डर है वो रिमूव कर देते हैं, जिस कारण ये और क्रिएटिव दिखेगा, ये देखिए। अब यहाँ से हम थोड़ा सा css से इसको डिज़ाइन कर देते हैं, btn1 का सबसे पहले चलते हैं, तो यहाँ btn1 लिखेंगे और यहाँ से css में इसका सबसे पहले हम width 120 पिक्सल करेंगे, height 35 पिक्सल करेंगे, width 20 पिक्सल, height 35 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर इसका हम ब्लू डालेंगे जिस कारण वो एडजस्ट हो सके, और कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर ब्लू या इसको हेक्सा डेसिमल में ये भी डाल सकते हैं, #2874F0, जिस कारण ये जो वो ब्लू है और वो ब्लू दोनों मिक्स हो जाएगा, जिस कारण वो मुझे सिर्फ वाइट वाला ही दिखेगा, कलर वाइट, और बॉर्डर इसका जीरो कर देते हैं। अब यहाँ से रिफ्रेश मारेंगे तो यह देखिए क्रिएटिव, ये पता नहीं चल रहा है कि वहाँ बटन का यूज किया गया है। अब मेरा हेडर का काम हो चुका है, थोड़ा सा और हम इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं बढ़िया से और चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में। तो अब मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करना है कि यहाँ से क्लोज कर लेते हैं TR को, टेबल को भी क्लोज कर लेते हैं, यानी कि मेरा जो हेडर है वो हेडर का काम ख़त्म हो चुका है, हेडर में मेरा जो जो चाहिए था वो मैंने यूज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो TR टेबल और एक और टेबल का यूज कर लेते हैं, और यहाँ से हम बॉर्डर विथ 100% हाइट और वेथ दोनों सेट कर लेते हैं, जिस कारण कि और वो क्रिएटिव दिखे, हाइट इसका 8% मुझे चाहिए और bg कलर ब्लैक, और यहाँ से हम यूज कर लेते हैं TH को और क्लोजिंग कर लेते हैं, और यहाँ से TH का अलाइन सेंटर और विथ इसका हो जाएगा 100% और यहाँ से हम एक इमेज सेलेक्ट करेंगे जो कि जो स्लाइड शो मेरा दिखेगा उसके लिए, तो इमेज img में m2.png को सेलेक्ट किए हैं, स्लाइड शो के लिए नहीं, इसका जो मेन ऊपर वाला जो उसके नीचे एक इमेज हम इस इमेज का यूज कर रहे हैं, और क्लास इसमें हम c2 और इसको क्लोजिंग कर लेते हैं, इमेज उसके नीचे जस्ट देखिए देखिए ये मेरा इमेज आ गया लेकिन बहुत बड़ा दिख रहा है, जिस कारण इसको हम css से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं क्लास c2 में, और क्लास c2 में हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं तो बैकग्राउंड इमेज डाल लेते हैं जो वो था वही सेम, और उसके बाद बैकग्राउंड साइज url बैकग्राउंड img url m.jpg, और यहाँ से हम बैकग्राउंड साइज 50% और उसका विथ जो है इसमें 100% विथ होगा, रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड साइज 50% और विथ 100%, जिस कारण ये विथ जो है इसका ये 100% रहे और हाइट जो है वो 50% रहे, और यहाँ से बॉर्डर रेडियस इसका रहे जो सर्किल रहे, बॉर्डर रेडियस सर्किल, और यहाँ से इसको हम रिफ्रेश मारते हैं तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा,
ये देखिए एडजस्ट मेरा हो गया, और इसको हम पूरा फुल विंडोज़ में दिखाते हैं तो ये इस तरीका से दिखेगा। अब इसके नीचे मुझे स्लाइड शो चाहिए, तो स्लाइड शो के लिए अब हमें इसका बॉर्डर जीरो करते हैं तो और अच्छा दिखेगा। और यहाँ से इसका स्लाइड शो इसके नीचे मुझे चाहिए, एम कार्ड के नीचे मुझे चाहिए स्लाइड शो, तो स्लाइड शो के लिए भी हम यहाँ से यूज करेंगे क्या, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल का यूज कर रहे हैं क्योंकि मुझे हम इसमें एक एक मतलब जितना भी टॉपिक है सब हम टेबल से बनाएंगे। टेबल क्लोज कर देते हैं और यहाँ से एक और टेबल ओपन करते हैं और इसका हाइट और विथ सेट कर लेते हैं। और बैकग्राउंड ऊपर वाला ही कॉपी पेस्ट मार दिया, इसमें एडजस्ट कर लेते हैं हम कि हाइट कितना रहेगा और विथ कितना रहेगा। हाइट इसका 8% रहेगा और विथ 100% रहेगा। और बीजी कलर वाइट रहेगा। और अब यहाँ से TR यूज होगा, TR ओपन एंड TH को हम यहाँ इसमें TH टैग को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें मेरा बोल्ड सब दिखेगा। और इसको अभी था हो जाएगा मेरा 15%। और यहाँ से एक डिवीजन क्रिएट करते हैं, डिवीजन क्लास इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन, डिवीजन क्लास इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन और स्पान इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके नीचे जो चाहिए मुझे जो लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स, और मतलब ये ड्रॉप डाउन के लिए हम यूज कर रहे हैं कि उस ड्रॉप डाउन में जो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक का जो कैटेगरी अलग हम रख रहे हैं और सब जितने भी उस सबका कैटेगरी हम लोग ऊपर से चूज कर रहे हैं कि मतलब क्या कितना परसेंट चाहिए। तो यहाँ से डिवीजन क्लास ड्रॉप डाउन कॉन्टेंट और यहाँ से उसको क्लोजिंग कर लेते हैं। और यहाँ से ड्रॉप डाउन कॉन्टेंट में हम डाल लेते हैं, इसमें सबसे पहला रहेगा कंप्यूटर या लैपटॉप, कुछ भी आप अपना अपना दिमाग से या फिर अपना यूज के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो लैपटॉप, और लैपटॉप के बाद इसी को कॉपी पेस्ट मार लेते हैं जिस कारण मुझे जल्द से जल्द हो जाए, वीडियो लंबा होने जा रहा है जिस कारण पूरा वीडियो को देखें जिस तरीका से आपको समझ में आए। अगर वीडियो छूट जाएगा तो थोड़ा सा भी छूटेगा तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। CPU मॉनिटर माउस और आप जो भी अपना यूज करना चाहते हैं आप इसमें यूज कर सकते हैं। और यहाँ से डिवीजन, दोनों डिवीजन को हम क्लोज कर लेते हैं। और ये डिवीजन क्लोज नहीं हो पाया, एक मिनट, ऊपर TH नहीं है, डिवीजन होगा, डिवीजन का भी यूज कर लिए थे। थोड़ा सा CSS थोड़ा सा क्रिएटिव और दिखे, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप CPU मॉनिटर माउस एज, मतलब आप अपना दिमाग से कुछ भी यहाँ यूज कर सकते हैं। एक पहला इलेक्ट्रॉनिक का ये अलग हो गया। अब हम ऐसे ही इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ऐसे ऐसे मुझे चार चाहिए जिस कारण जो ड्रॉप डाउन है वो बहुत अच्छे से दिखे, मतलब माउस का कर्सर जाते ही वो शो हो जाए नीचे की ओर। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक की जगह पर यहाँ कर देते हैं TV और यहाँ कर देते हैं लैपटॉप या एज योर विश जो आप रख सकते हैं अपना मतलब वेबसाइट के लिए, मैन ओ मैन, क्योंकि कैटेगरी हम यहाँ चूज कर लिए। अब यहाँ एक डिस्काउंट का ऑफर भी रख लेते हैं जिसमें कितना परसेंट डिस्काउंट चाहिए मुझे और उसी पर हम इसको करेंगे क्रिएटिव और यहाँ डिस्काउंट ले लेते हैं। और वो जस के तस रख लेते हैं मॉनिटर माउस अपना, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कि ये बेसिक लेवल में इतना वीडियो लंबा होने के कारण हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, एक मिनट, थोड़ा सा कि जल्द से जल्द आपको समझ में आ पाए। यहाँ देखिए ऑफर जोन भी हम रख लिए जिस कारण आपको पता चलेगा कि इसमें कितना परसेंट ऑफर चाहिए, 10% 20% आप वो यहाँ से यूज कर सकते हैं। और यहाँ से हम अपना टेबल क्लोज कर लेते हैं। अब ये तो मेरा उतना दिख नहीं रहा है, ये मुझे माउस जाने पर, माउस का कर्सर जब वहाँ जाए तब वो ड्रॉप डाउन नीचे आए, तो इस कारण मुझे CSS से इसको थोड़ा सा मतलब डिजाइन करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम CSS फाइल में और सबसे पहले यहाँ से यूज करते हैं ड्रॉप डाउन का यूज करते हैं। तो ड्रॉप डाउन में क्या है, मेरा ड्रॉप डाउन जो क्लास था उसमें पोजीशन को रिलेटिव कर लेते हैं और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक जिस कारण से वो ब्लॉक में दिखेगा, पोजीशन रिलेटिव और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक पोजीशन इनलाइन ब्लॉक। और यहाँ से ड्रॉप डाउन कंटेंट,
मतलब ड्रॉप डाउन में जो कंटेंट हम लिखे हैं उसके उसका सीएसएस ये है, इसका भी डिस्प्ले नन और पोजीशन एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कलर इसका आप जो भी अपना अपना अनुसार रख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ ब्लैक रख लेते हैं, ब्लैक का यूज कर लेते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जिससे आपको वेबसाइट बहुत अच्छा सा दिखे। और मीन विथ मीन हाइट 90 पिक्सल, बॉक्स शैडो, मुझे बॉक्स शैडो को भी ज़रूरत है, SHADOW होगा थोड़ा सा, इसका बॉक्स शैडो जीरो पिक्सल, 8 पिक्सल, 16 पिक्सल, 0 पिक्सल और RGBA, RGBA कलर का इसमें हम यूज करेंगे 000 एंड 2, बॉक्स शैडो 000 एंड 2। तो उसके बाद इसका पैडिंग 12 पिक्सल एंड 16 पिक्सल का यूज करेंगे कि इसका जो पैडिंग रहे वो कितना गैपिंग बन रहा है, इस कारण वो और अच्छा रखे, नहीं तो अगर शर्ट मतलब दोनों एक में अटैच हो जाएगा। और जेड इंडेक्स इसका हम 1 रखेंगे, कलर वाइट रखेंगे, जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट रहेगा। और यहाँ से ड्रॉप यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ऊपर वाला गायब हो गया। अब एक मिनट, थोड़ा सा माउस का कर्सर क्लोजिंग नहीं है, लगता है छूट गया, माउस का कर्सर जा रहा था तो वो आ नहीं पा रहा है। एक मिनट, इसका कंटेंट में मुझे डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा कि ड्रॉप डाउन कंटेंट का डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ से CSS फाइल में हम फिर से जाते हैं, एक मिनट रिफ्रेश किए तो नहीं आ पा रहा है, वेट, हो सकता है वही हम कंटेंट ड्रॉप डाउन का कंटेंट नहीं दिख पा रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वेट, हाँ यहाँ से हम वही मेरा ड्रॉप डाउन का होवर भी लगा यूज कर लेते हैं, ड्रॉप डाउन होवर और ड्रॉप डाउन कंटेंट, और इन दोनों का जो डिस्प्ले रहेगा वो ब्लॉक रहेगा, जिस कारण मेरा ड्रॉप डाउन का जो है वो ऑटोमेटिक यूज होने लगेगा, मतलब डिस्प्ले होने लगेगा, डिस्प्ले ब्लॉक, ड्रॉप डाउन कंटेंट और ये दोनों होवर ब्लॉक हो गया। अब यहाँ से रिफ्रेश मिल जाते हैं तो ये देखिए मेरा दिख रहा है तीनों में, सब में वो दो तीन का ऑटोमेटिक वो सेम दिख रहा है, इसलिए आप वो अपना यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट, हम मेरा टॉपिक जो है इसमें सबका दिख रहा है, जो ड्रॉप डाउन मेरा है ड्रॉप डाउन काम कर रहा है। अब उसके बाद हम स्लाइडर पर चलते हैं, इसके नीचे जस्ट मुझे स्लाइडर चाहिए, जिस कारण वो जो बैनर का जो हम जो इमेज लिए थे बैनर का यूज यहाँ कर लेते हैं। और चलिए आगे इसमें क्या करना है कि वही बैनर वाला यूज है, यहाँ क्या करना है मुझे कि डिवीजन क्लास तो ज़रूरी है मुझे, यहाँ डिवीजन में ही लेंगे क्योंकि डिवीजन नहीं लेंगे तो वो नहीं। माय स्लाइड, यहाँ माय स्लाइड, एक माय स्लाइड क्लास बनाना पड़ेगा, माय स्लाइड फेड और डिवीजन माय स्लाइड फेड, और यहाँ से हम उसका एक और डिवीजन बनाएंगे, नंबर टेक्स्ट। नंबर टेक्स्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मुझे जितना वो इमेज चाहिए उसके जरूरी, जैसे 1, 2, 3 जितना इमेज आप ले सकते हैं, मैं 4 ले या 2 या 4 लेकर आपको दिखा सकता हूँ, जैसे यहाँ 1/4 कर लिए, यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन 1/2 का ही हम यूज करेंगे। तो उसके बाद हम डिवीजन एक स्टाइल ले लेते हैं, इमेज का जो यूज करता है स्टाइल भी इसमें यूज करेंगे, और यहाँ से इमेज SRC इमेज और बैनर 1 का यूज करेंगे, बैनर 1.png। यहाँ जो फोल्डर है मेरा उसमें इमेज जो फोल्डर है उसमें मेरा बैनर है, जिस कारण यहाँ हमें IMG करना पड़ रहा है, और स्टाइल इसका विथ 100% रहेगा, और विथ 100% यहाँ से क्लोजिंग। और यहाँ हम एक और क्लास लेंगे डिवीजन क्लास, और यहाँ हमें एक टेक्स्ट नाम का क्लास हमें अपना CSS में यूज करना पड़ेगा, और कैप्शन में इसका रहेगा कैप्शन टेक्स्ट, टेक्स्ट का जो कैप्शन टेक्स्ट एज योर भी जो कुछ भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं उसके इमेज के बारे में आप लिख सकते हैं, डिवीजन क्लोज। और इसी को हम ये यह देखिए यहाँ ऊपर 1/4 आ गया, लेकिन हम अभी 2 को इमेज के सेलेक्ट करेंगे, और कैप्शन टेक्स्ट को हम मुझे अलाइन मतलब सेंटर करना है, दोनों को सेंटर में हमें करना है, तो ये CSS से होगा। तो चलिए
इसी को पहले कॉपी कर लेते हैं, दो बार तीन बार जितना इमेज आप यूज कर सकें उतना इमेज को आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जिस कारण वो मुझे अभी तो यहाँ हम दो ही इमेज को यूज करेंगे, एक यहाँ डिवीजन क्लास छूट गया जिस कारण दिक्कत हो रहा था। हाँ, स्लाइड शो कंटेंट कंटेनर, स्लाइड शो कंटेनर का एक हमें क्लास और बनाना पड़ेगा, तब जाके ये कुछ और क्रिएटिव दिखेगा जिस कारण वो स्लाइड करेगा। और यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ से हम मुझे सबसे पहले एक जो स्लाइड कर रहा है उसका CSS को हम यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे जैसे कि हम ड्रॉप डाउन कंटेंट जैसे उसमें लिए थे, इसमें स्लाइड शो का जो था वो क्लास का यूज करेंगे। तो स्लाइड शो कंटेनर और स्लाइड शो दोनों हम यूज करेंगे। तो मैक्स विथ 130 पिक्सल 1360 पिक्सल एंड पोजीशन एब्सोल्यूट इसका रहेगा, और मार्जिन ऑटो रिफ्रेश करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। और उसका जो हम मेरा आगे वाला टेक्स्ट है उसका हम अलाइन करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं, उसको सेंटर कर लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स साइजिंग रहेगा, बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स का जो साइज रहेगा वो बॉर्डर बॉक्स में ही रहेगा। और माय स्लाइड्स का एक और क्लास हम लेंगे, जो माय स्लाइड्स डिस्प्ले उसका नन रहेगा। और इमेज वर्टिकल अलाइन, इसको इमेज का जो है इमेज वर्टिकल अलाइन रहेगा जिस कारण वो मिडिल वर्टिकल अलाइन नन नहीं मिडिल होगा। वेट 1 मिनट, और मिडिल हो गया। अब यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम उसका स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे, जब तक जावा स्क्रिप्ट इसका नहीं यूज होगा तब तक इसमें स्लाइड शो नहीं करेगा। स्क्रिप्ट का भी कोड हम लिखेंगे। वेट, यहाँ से हम सबसे पहले इसको कॉपी, नंबर टेक्स्ट का क्लास है वो भी एक छूटा हुआ है जो 1/4 है इमेज का, उसका हम मतलब कर लेते हैं। तो नंबर टेक्स्ट जो है उसका कलर एक सेलेक्ट कर देते हैं, F2 एंड फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, पैडिंग 8 और 12 पिक्सल, और पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगा इसका 12 पिक्सल और 8 पिक्सल, पैडिंग 8 पिक्सल एंड 12 पिक्सल, पोजीशन इसका एब्सोल्यूट एंड टॉप से 0 रहेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट एंड टॉप से 0। उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ये मेरा इमेज के अंदर आ गया जिस कारण ये और क्रिएटिव दिख रहा है। अब इसी को कॉपी पेस्ट हम कर लेते हैं। वेट 1 मिनट, इसको क्या करें, कैप्शन टेक्स्ट को अब मुझे सेंटर करना है, कैप्शन टेक्स्ट को सेंटर करना है, तो टेक्स्ट का भी कोडिंग मुझे करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट और यहाँ करेक्ट कलर F2 कलर जस्ट वही रहेगा, हैशटैग F2 एंड फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, पैडिंग 8 पिक्सल एंड 12 पिक्सल, और पोजीशन इसका एब्सोल्यूट रहेगा, और बॉटम 8 पिक्सल, विथ 100%, टेक्स्ट अलाइन सेंटर रहेगा। और बस इसको रिफ्रेश करते हैं, या देखिए इसको ये भी मेरा इमेज के अंदर एडजस्ट हो गया। अब हम मुझे स्लाइड शो का एक और फोटो चाहिए जिस कारण तब ना दोनों दिखेगा, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको कॉपी एंड पेस्ट एडजस्ट करके इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जितना इमेज चाहिए वहाँ आपको इतना आप कॉपी पेस्ट इसमें कर सकते हैं, या फिर आप इसको दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट करने से थोड़ा सा टाइम बचेगा, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया।
चलिए हम दो ही इमेज का यूज करेंगे, जिस कारण इसको रिमूव कर लेना पड़ेगा मुझे। इसको रिमूव कर लेते हैं 2x2, और इसको रिमूव कर लेते हैं, दो ही इमेज का यूज कर लेते हैं। बाद में आप अपना एजियर विश जो भी अपना लगा सकते हैं। ये देखिए दो इमेज है, लेकिन अब ये दोनों इमेज को मुझे एक इमेज पर चाहिए, तब ना मुझे एक दिखेगा, हाइड होगा, शो होगा। इसके लिए मुझे एक जावा स्क्रिप्ट का जो होता है फाइल, जावा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। इस सबसे पहले इसका क्लोजिंग हम क्लोज कर लेते हैं, बॉडी क्लोज एंड टेबल क्लोज और HTML क्लोज क्लोजिंग, क्योंकि हमें क्लोजिंग टैग का यूज हमने नहीं किया था शुरू में। और उसके बाद इसका हम स्क्रिप्ट लिखेंगे। एक स्क्रिप्ट का कोड आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप उसका यूज कर सकते हैं। ये कोड भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, इससे आप वहाँ से इस कोड को ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपना। चलिए यहाँ हम सबसे पहले स्लाइड शो का डिवीजन को क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ हमें चाहिए ब्रेक, और ब्रेक के बाद चाहिए डिवीजन क्लास डिवीजन स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ डॉट का यूज करेंगे, अलाइन सेंटर, अलाइन टेक्स्ट अलाइन और सेंटर, और मुझे क्या चाहिए, डबल कोट छूट गया। उसके बाद स्पैन टैग का, यहाँ डबल कोट छूट गया, वेट एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर ये हाइड नहीं हो पा रहा, यहाँ से ऊपर जाएंगे और वेट वेट वेट, यहाँ से हाँ डॉट डॉट, एक क्लास मुझे बनाना पड़ेगा जिस कारण वो थोड़ा सा और क्रिएटिव टाइप दिखेगा। दो डॉट का ही यूज करेंगे, और यहाँ से क्लोज कर लेते हैं अपना डिवीजन को, डिवीजन को क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद हमें CSS में उस डॉट का कोड लिखना पड़ेगा जिस कारण वो और क्रिएटिव दिखे। तो डॉट का रहेगा कि हाइट 15 पिक्सल सबसे पहले, विथ 15 पिक्सल, 15 पिक्सल विथ भी, और मार्जिन 0 और 2 पिक्सल। एडजस्ट कर लेते हैं हम, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा जिस कारण एक वीडियो में इतना नहीं हो पा रहा था। तो नेक्स्ट वीडियो में सोचे कि कर ले, लेकिन दिक्कत हो जाता है जिस कारण हम दोनों को एक ही वीडियो में करना पड़ रहा है मुझे। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड कलर #BBB डाल देते हैं, और यहाँ से रिबॉर्डर रेडियस जो है वो 50% डिस्प्ले रहेगा, डिस्प्ले रेडियस और 50% रहेगा, जो डिस्प्ले जो करेगा वो रेडियस यानी कि गोल जो रहेगा वो मेरा डॉट रहेगा वो रेडियस रहेगा और 50% रहेगा। उसके बाद डिस्प्ले एक इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले एक और इनलाइन ब्लॉक, और इनलाइन ब्लॉक ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर 0.6 सेकंड में वो मतलब नेक्स्ट हो, 0.6 सेकंड हम यहाँ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टाइमिंग लगाना पड़ेगा कितना पर वो मेरा सेकंड इमेज दिखे, कितना पर वो फर्स्ट वाला इमेज दिखे। तो उसका हम यूज कर लेते हैं, तो 0.6 सेकंड इसका बैकग्राउंड कलर 0.6 सेकंड SEC। उसके बाद रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करेंगे इसको क्लोजिंग करके, तो रिफ्रेश करते ही ये डॉट तो आ गया, पर ये अभी यूज़ नहीं करेगा जब तक मेरा जो स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट का जो फाइल है वो नहीं होगा, जिस कारण जावा स्क्रिप्ट का, चलिए जावा स्क्रिप्ट को हम यहाँ ले लेते हैं और यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। ये कोड आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम मिल सकता है। तो चलिए अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए मेरा स्लाइड शो ऑटोमेटिक होने लगा, यानी कि स्लाइडर मेरा काम करने लगा, और हर 0.2 सेकंड पर ये नेक्स्ट आता रहेगा इमेज। और इसके बाद मुझे चाहिए क्या, फूटर का यूज करना पड़ेगा, एक फूटर मुझे बनाना पड़ेगा, तभी और क्रिएटिव लगेगा।
और इसका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे प्रोडक्ट को यहाँ हम लाएँ होम पेज पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा मोटा फूटर बना लेते हैं जो मतलब बस देखने में ठीक लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले एक टेबल लेंगे, टेबल से पहले एक एम कार्ड लिख लेते हैं तो वो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। जो लास्ट एम कार्ड जो हम लोग ले रहे हैं, एम कार्ड इसका से फ्लिपकार्ट हो गया, हम यहाँ एम कार्ड ले लिए। आप एजोर भी जो भी लगा सकते हैं अपना मतलब वेबसाइट में वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम टेबल एक ले लेते हैं, 100% उसका विथ रहेगा, बीजी कलर वाइट रहेगा और यहाँ हम TH में लिख देंगे एम कार्ड। TD या TH दोनों यूज कर सकें, TD यूज करेंगे तो आपको TH यूज करेंगे अगर आप तो वो तो ऑटोमेटिक सबसे पहले तो बोल्ड हो जाएगा, उसके बाद सेंटर हो जाएगा, सेंटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो TH का यूज नहीं चाहिए, मुझे यहाँ TD का ही यूज चाहिए क्योंकि TD वो लेफ्ट अलाइन रहेगा। और यहाँ से हेडर में ले लेते हैं H2, हेडिंग H2 में एम कार्ड का यूज कर लेते हैं और यहाँ से हम H2 को क्लोज कर लेते हैं और यहाँ से TD को भी क्लोज कर लेते हैं और रिफ्रेश करेंगे। 1 मिनट, TR भी क्लोज करना पड़ेगा 1 मिनट। जब रिफ्रेश किए तो ये देखिए ऐसा आ गया, लेकिन मुझे सिंगल लाइन चाहिए तो यहाँ हम एक HR का यूज करेंगे, HR टैग, जिस कारण एक और मुझे उसके नीचे एक लाइन आ जाए। तो और यहाँ से बॉर्डर जीरो करेंगे, बॉर्डर जीरो करते हैं, ये देखिए और थोड़ा सा क्रिएटिव दिख रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से अपना सबका क्लोज कर लेते हैं टेबल और बस मेरा फूटर का काम रह गया। फूटर का भी हम यूज कर सकते हैं जैसा आप यूज करें। तो फूटर में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक टेबल लेंगे, टेबल टैग, और यहाँ से ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको यूज कर लेते हैं। इसका विथ 100% TD का BG कलर जो होगा ब्लैक होगा, विथ होगा 100% और हाइट जो रहेगा वो मेरा कितना रहेगा 50, विथ रहेगा 25% एंड और एक फॉन्ट साइज ही हमको मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि फॉन्ट साइज में मेरा रहेगा कलर वाइट, कलर जो रहेगा वो वाइट रहेगा और बोल्ड रहेगा और एक लिंक हम वहाँ यूज करेंगे। तो क्विक लिंक और बोल्ड टैग को क्लोज करेंगे, यहाँ से बोल्ड टैग को यूज करेंगे और क्विक लिंक मतलब यहाँ एक लिंक का जो कॉलम है वो हम क्रिएट कर रहे हैं कि एक लिंक का जो चीज़ कुछ भी का लिंक आप यहाँ इंस्टाग्राम फेसबुक क्विक लिंक में वो रहेगा। तो चलिए इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 2-3 बार क्विक लिंक में और यहाँ से ये देखिए क्विक लिंक इधर तो आ गया है। यहाँ से अब सबका कॉलम एडजस्ट करेंगे तो 15 15 50 और यहाँ 20% और यहाँ 30%, यानी कि सब मिलाकर मेरा जो 100% रहना चाहिए कॉम रो। और यहाँ से सर्च, एक सर्च का रहेगा और एक रहेगा फॉलोअर्स कॉन्टैक्ट। आप एजोरविस आप अपना हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, आपका जो मन है आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये बस आपको समझाने का एक तरीका हमने बस बताया आपको कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं, जब रिफ्रेश करते हैं तो मेरा दिख गया और यहाँ से TR टैग को क्लोज कर देते हैं और फिर TH को एक यूज करके यहाँ से हम सब में एडजस्ट कर लेते हैं कि लिंक में मुझे क्या क्या का लिंक चाहिए, फॉलोअर्स में क्या चाहिए, कॉन्टेक्ट में क्या चाहिए, सर्च लिस्ट में एक मेरा टेक्स्ट रहेगा जो इनपुट टाइप जो है, और यहाँ UL और LI टैग का यूज करके हम इस सब में एडजस्ट करेंगे। तो LI टैग में इसका फॉन्ट साइज हम कर लेते, फॉन्ट कलर कर लेते हैं वाइट, जिस कारण उसका जितना भी टैग रहेगा वो वाइट दिखेगा। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक TV जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप इसकी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 4 बार या फिर जितना बार रख सकते हैं, फुटर जितना बड़ा बना सकें।
छोटा मोटा फुटर है। और यहाँ हम क्या यूज करें, यहाँ रख लेते हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बाद यहाँ रख लेते हैं हम लैपटॉप, लैपटॉप रख लेते हैं, टीवी रख लेते हैं, कुछ भी जो मतलब मुझे सेल करना है अपने वेबसाइट के थ्रू। ये कॉलेज प्रोजेक्ट के तहत ये आपको बहुत अच्छा काम आएगा। ये देखिए मेरा जो दिग्गया कितना क्रिएटिव दिख रहा है, बहुत अच्छा, जिस कारण आप इसे और भी सीएसएस से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो बस एक डेमो टाइप का हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिस कारण आपको कुछ सीख सकें। तो उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि अब टीडी को क्लोज करेंगे और फिर इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और कॉन्टेक्ट में, फॉलोअर्स में जो है वो उसको हम यूज कर सकें, जिस कारण वो और अच्छा दिख सके, क्रिएटिव दिख सके। और इसमें और अगर आपको मन है कि और एडजस्ट करें तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक जो लिखा हुआ था यहाँ हम लोग कर लेते हैं फेसबुक, जो लिंक में क्या क्या रहेगा, फेसबुक रहेगा, इंस्टाग्राम रहेगा, ट्विटर रहेगा, यूट्यूब रहेगा, आप मतलब अपना चैनल, अपना वेबसाइट को अपना थ्रू कॉन्टेक्ट के लिए फॉलोअर्स यहाँ कर सकते हैं। आप कॉन्टेक्ट में क्या मुझे करना है कि अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, आप अपना वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, या अपना क्या कर जा सकता है कि ईमेल आईडी डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं अपना, जो आप यूज कर सकें अपना वो कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इंडिया, ईमेल और यहाँ मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। तो अभी मैं +91 यूज कर लेता हूँ, मोबाइल नंबर या कुछ भी आप जैसा वो रखें, और इसको बंद कर लेता हूँ। यहाँ देखिए आ गया मेरा, सब एडजस्ट हो गया, कितना क्रिएटिव दिख रहा है। अब मुझे चाहिए यहाँ मोबाइल नंबर की जगह पर +91 कर लेते हैं, इस कारण ये ठीक दिखेगा, आप अपना मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं यहाँ। और यहाँ से अब हम सर्च लिस्ट में क्या करेंगे कि उसको एक इनपुट टाइप कर लेते हैं और इसको कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, इस कारण थोड़ा सा आसानी मिलता है लिखने में। तो इनपुट टाइप मेरा रहेगा टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट प्लस होल्डर सर्च। प्लस होल्डर में क्या रखेंगे कि सर्च रखेंगे, और क्या हो गया। उसके बाद यहाँ जब रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएगा। अब एक बटन मुझे चाहिए, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, और बटन यूज करेंगे, और वैल्यू इज इक्वल टू सर्च, और वैल्यू इज इक्वल टू सर्च। और अब जब रिफ्रेश करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाना तो चाहिए, वेट थोड़ा सा देख लेते हैं, आ गया, पर एक मिनट थोड़ा सा, ये दोनों लगता है सेम ही आ गया, मुझे लगता है कि दोनों टेक्स्ट ही का आ गया, देखना पड़ेगा अभी, वेट पर मिनट, नहीं आया तो नहीं होगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, जिस कारण ये लगे कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर मिस्टेक हुआ है मुझसे, जिस कारण ये इतना बड़ा दिख रहा है। वेट वन मिनट, वेट यहाँ से, अच्छा क्लास का यूज करके हम देखते हैं कि वो हो रहा है कि नहीं, हो पा रहा है या नहीं, और ये हाइड हो जा रहा है, जिस कारण क्लास का यूज अगर कर दे रहे हैं तो यहाँ ये हाइड हो जा रहा है। तो ये भी ठीक है, अपना डिजाइन कर सकते हैं आप, लेकिन इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करेंगे तो थोड़ा ये बढ़िया दिखेगा सीएसएस से। एक और हम बटन कर लेते हैं, जिस कारण, लेकिन अच्छा तो नहीं ही रहेगा मुझे लगता है इतना, इसको कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, लेकिन दोनों सेम ही हो जाएगा। एक मिनट देखता हूँ, कहीं लगता है प्रॉब्लम, कहीं कोड गलत लिखा गया, यहाँ करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ से वाइट कर रहे हैं तो कैसा हो रहा है, एक मिनट, अरे ये तो पूरा और बेकार दिख रहा है। या क्लास ही हटा देते हैं, इनलाइन सीएसएस यूज कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, इनलाइन सीएसएस यूज कर लेते हैं, स्टाइल टैग यूज करके इनलाइन सीएसएस यूज कर लेते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू विथ, या क्योंकि विथ है बहुत ज़्यादा लंबा, विथ मेरा यहाँ 10 पिक्सल,
बहुत छोटा हो जाएगा लेकिन। हाँ एक मिनट, यहाँ 100 हो जा रहा है, 50 60 कुछ भी एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ सर एडजस्ट हो गया, अब यहाँ से क्लोजिंग कर लेते हैं और एक कॉपीराइट का थोड़ा छोटा छोटा मोटा टेबल बना लेते हैं जो मतलब दिखे कि नीचे किस चीज़ का है, वो देखने में कुछ बढ़िया दिखता है। तो उसके लिए मुझे टेबल और बनाना पड़ेगा, टेबल बॉर्डर जिसका रहेगा 0 पिक्सल 0 और विड्थ तो 100% रहना ही रहना है। और कलर ब्लैक, टेबल का जो फॉन्ट कलर हम रेड ले लेते हैं और यहाँ एट द रेट कॉपीराइट ले लेते हैं जिस कारण कि वो और ठीक दिखे। आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, मुझे तो बस वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ बस ऐसे ही थोड़ा सा ठीक लगे दिखने में। तो मेरा वेबसाइट लगभग कंप्लीट ही हो चुका है, जो होम पेज है उसका वो डिज़ाइन हम कर चुके हैं। तो होम पेज जब डिज़ाइन हो चुका है तो अब देखिए सब मेरा वर्क करने लगा, सर्च बॉक्स भी काम कर रहा है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।